क्या हाल है? सूरज ग्रहण होने वाला है आज। दुनिया भर में सूरज ग्रहण होते हुए दिखेगा और रमजान मुबारक का चांद भी नजर आने के इम्कान कम हो जाएंगे। तो सऊदी अरब में बहुत सारे ममालिक की तरह एक रोज़ा कम नहीं बल्कि 30 रोज़े पूरे रख सकते हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण तकरीबन आज पाकिस्तान में 8 तारीख को होते हुए अलग अलग शहरों से गुजरेगा। तो बहुत सारे ममालिक से होते हुए गुजरते हुए कनाडा, यूके, यूरोप और बहुत सारे ममालिक में जर्मनी, इटली, फ्रांस और हर जगह से गुजरते हुए आज रात को तकरीबन 8:40 या उसके आसपास से पहले या जल्दी अगर आ गया तो जल्दी हो सकता है, अगर देर आया तो देर से हो सकता है। तो सूरज ग्रहण में अपनी आंखों को बचाना ज़रूरी होता है। समय इसकी जो शुआएँ होती है बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव या उससे भी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो हम वैसे रात को या शाम में वैसे तो होता है, लेकिन पूरा मुकम्मल अंधेरा काफ़ी बार सूरज ग्रहण दोपहर के 2 बजे भी हिस्ट्री में देखा गया है। लेकिन इस साल 2024 के सूरज ग्रहण में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो सूरज ग्रहण की आप फुटेज देख सकते हैं, बहुत सारे सूरज ग्रहण हुए पाकिस्तान में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ 6-8 सूरज ग्रहण देखे हैं और समवेयर हम अपने ही बचपन में यूँ करके देखा करते थे, लेकिन समवेयर वो इतना अंधेरा हुआ करता था। मुझे अक्सर याद है कि 6 बजे हुआ था, लेकिन समवेयर पूरा रात की अंधेरी तारीखी हो गई थी, पूरी 5 मिनट 10 मिनट कुछ इस तरह, और समवेयर इससे चीज़ें रही थी। इसी तरह एक बार वह के 2 बजे हुआ था, एक बार चीज़ें हुई थी। इस तरह बहुत सारे ममालिक, अंटार्कटिका है, चीज़ें हैं वहाँ सूरज ग्रहण भी हो रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें एज ऑन हो रही होती। तो सूरज ग्रहण यानी सोलर एलिप्स कहलाता है। तो 2024 का सोलर एलिप्स पहली बार 2024 में होगा आज, यानी 8 अप्रैल 2024, और इस तकरीबन शाम के वक्त बताया जा रहा है। वैसे ही अंधेरा होगा, लेकिन ऐसा अंधेरा जिसमें बिल्कुल भी हमें ब्लैकआउट हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करना होता है, इसमें हम खसूसी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से रहमत की दुआएं मांगते हैं, और इसके अलावा काफ़ी लोगों की रिवायत भी है कि जो हम मांगते हैं मिल जाता है। वैसे तो हर घड़ी अल्लाह ताला की तरफ हम जो मांगे वो बेनियाज देने वाला है और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। सो आप इस घड़ी में मुश्किल और अपनी चीज़ों को, अपने ईमान को और पुख्ता करें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें सबसे ज़्यादा, और अपने ईमान को ताज़ा रखें। बच्चों को, फैमिली को, सब घर पे पहले से पहुंच जाएं, जहां जो चीज़ें हैं तो सिर्फ अंधेरे होने की वजह से वो चीज़ें हो रहा होता है, तो हम अपने महफूज मकाम पे पहुंचते जाएं और चीज़ें होती जाएँ। तो सूरज ग्रहण बहुत सारी चीज़ों की वजह से रमज़ान और अफ्तारी के बाद हो रहा होगा, तो इट्स नॉट लाइक कि हम पिकनिक पॉइंट मनाने चले जाएँ, चीज़ें जाएँ अवॉइड करें चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें जो भी हम कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से अपने मुताबिक, अगर कोई एमरजेंसी ना हो, चीज़ें ना हो, तो अवॉइड करें ट्रैवल को। फिर बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल्स वगैरह हर बार चीज़ें होती हैं। तो सूरज ग्रहण कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मज़ीद मेरी वीडियो को देखते रहें, अपडेट करें और अपने कमेंट सेक्शन में बताएँ, मुझे बताएँ अपने आप को और चीज़ों को, आप भी इसके बारे में वीडियो बनाएँ। जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आप भी वायरल होंगे, मैं भी वायरल होंगे। एक कमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर और बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाती तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो थोड़ी मेहनत करके थोड़ी लाइक कमेंट दे दिया करो, मतलब ज़रूरत वो जो चीज़ें हैं आप भी करें, मैं भी करूँ, तो शर्म ना करें, बल्कि वीडियो देखिए तो बहुत शुक्रिया। हेलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।